राग यमन कहते ही मुझे मेरे बचपन की याद आती है। यमन राग शुरुआत में जब गाना सीखना शुरू करते हैं तभी सिखाया जाता है, तो मुझे तो 40 साल से ऊपर हो गए राग यमन सीख के। तो हर एक राग की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है, कुछ कुछ रसों के लिए वो पूरक होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी के रस उसमें नहीं व्यक्त होते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि कोई एक मनुष्य बेसिकली शांत स्वभाव का है, भले उसको गुस्सा आता भी होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो शांत रहता है। वैसे राग यमन एक प्रसन्न राग है, उसमें श्रृंगार रस भी बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है, करुण रस भी होता है, भक्ति रस भी होता है, आनंद रस भी होता है। जिस तरह का साहित्य आप लेंगे वो साहित्य को न्याय देने की ताकत राग यमन में है। जैसे भी उसको ढालो वो ढल जाता है। मेरी यमन के साथ बहुत ही स्मृतियाँ हैं। एक तो मेरे गुरुजी पंडित जसराज जी को मैंने यमन मैंने उनको सुनाया था, और कोइंसिडेंटली वो जिस प्रोग्राम के लिए पुणे में आए थे, बात है 1983 की, सितंबर 1983, वो यमन कल्याण गाए थे उस दिन शाम को। और एक ये खास स्मृति है कि बहुत से कलाकार यमन को बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, लेकिन मेरी वाइफ अश्विनी कहती है कि तुम्हारा यमन तो अलग है, तो इसलिए भी मुझे यमन बहुत ज़्यादा प्यारा है। यमन में काफ़ी सारे हिंदी फिल्म के गाने पॉपुलर है, उसमें से एकदम से जो मुझे याद आ रहा है, जो मेरे पसंदीदा है, वो है निगाहें मिलाने को जी चाहता है और जब दीप जले आना। ऐसा ही राग यमन, जब तक सृष्टि है तब तक अपना रस फैलाते ही रहेगा। रे ता रेतनो रेतना तेरे तनु तन
रे तनु तनु रे तनु रे
तुम्हाला अजून कोणत्या म्युझिशियन्सना ऐकायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.